नमस्कार, मैं हूं आचार्य भूषण कौशल और आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो तक में। आज हम बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपका करेंगे कल्याण, क्योंकि मघा नक्षत्र नवमी का रविवार है और बहुत ही शक्तिशाली होता है सूर्य। रविवार का सिर्फ व्रत करेंगे तो आपके बच्चे और आप दीर्घायु होंगे और वो धनवान बनेंगे और आप भी धनवान बनोगे। रविवार को सूर्य के लिए व्रत रखना चाहिए, कम से कम महीने में एक रविवार व्रत जरूर रखें। और सूर्य की पूजा पाठ की जाती है, सूर्य बच्चों का रक्षक बन जाता है, आपका रक्षक बन जाता है, क्योंकि सूर्य परमपिता परमेश्वर है। और इस बार का सूर्य नवमी का बहुत ही शक्तिशाली है। जो करेगा सूर्य की पूजा, जो करेगा व्रत, और उसका तो कल्याण हो जाएगा। अब संतानहीन माता पिता अगर सूर्य की पूजा करेंगे, जिनको बच्चे नहीं हैं, तो बच्चे हो जाएंगे, संतान हो जाएगी। और अगर आपकी संतान है तो आपकी संतान की रक्षा होगी, आपके संतान की सूर्य आयु बढ़ाएगा। और बढ़ाएगा ही नहीं, सिर्फ उनके कामों को इतना अच्छा करेगा और आपके कामों को इतना अच्छा करेगा, आपको धनवान बना देगा। सूर्य अच्छी पढ़ाई और नौकरी भी देगा। सरकारी नौकरी कौन देता है? सूर्य देता है। इस बार का सूर्य अगर आप उपाय करेंगे तो सूर्य आपकी सरकारी नौकरी का योग बनाएगा। और आपको क्या करना है, सूर्य को पूजा पाठ करने का जो त्यौहार है, हर महीने एक बार षष्ठी आती, षष्ठी पूजा जरूर करनी चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो किसी गंगा नदी में नहाएं या किसी पवित्र नदी में, तालाब में नहाने के बाद और जल को सूर्य को चढ़ाने के बाद निराहार व्रत रखना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए और सूर्य की पूजा करनी चाहिए। लेकिन आखिर सूर्य की पूजा विधि क्या है? सूर्य को लाल फूल चढ़ाया जाता है, लाल वस्त्र, लाल सिंदूर, गुड़ वाला जो है मिठाई या गुड़, या सूर्य को गुड़ वाला जल चढ़ाएं, सूर्य को मीठा हलवे का भोग लगाएं और लोगों को हलवा बांटें, बहुत अच्छा रहेगा। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को आपको बगैर नमक का भोजन करना है और गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। गायत्री मंत्रों से हवन करेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः पितुर्वरुणे भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इसे सूर्य का हवन करेंगे। और सब कुछ करने के बाद शाम को किसी बुजुर्ग पंडित जी को भोजन कराने से सूर्य बड़े मेहरबान होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस तरह से आपको सूर्य पूजा करनी है और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना है। लेकिन मुझे इजाजत दो, नमस्कार, राम राम।